फतेहाबाद के रतिया बाईपास के पास स्थित एक मकान में बंधी तीन भैंसे वहां पर काम करने वाला नौकर चुरा कर ले गया। पुलिस ने आरोपी युवक को उसके साथियों के साथ काबू कर लिया। इसके साथ ही पुलिस पूछताछ में युवकों ने पशु चोरी की दो और वारदातें कबूली हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि आरोपी युवकों का संबंध किसी बड़े पशु चोरी करने वाले गिरोह से हो सकता है। दरअसल रतिया बाईपास के पास रहने वाले अंकित कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसके यहां काम करने वाला युवक गुरदीप उसके घर में बंधी तीन भैंसे चुरा कर ले गया है और जब उससे संपर्क करने की कोशिश की गई तो वह घर पर नहीं मिला। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गुरदीप की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को उसके साथियों के साथ काबू कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से दोनों भैंसे और चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद की है। आरोपी गुरदीप ने पुलिस को बताया कि उसने चोरी अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर की है और वो उसे बेचने जा रहा था। वहीं पुलिस पूछताछ के दौरान युवकों ने भी खुलासा किया कि इससे पूर्व भी वो पशु चोरी की दो वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें गाँव कुलेरी और गाँव मैयर से एक एक झोटा चोरी किया गया था, जिन्हें ये लोग गाजियाबाद के किसी कत्ल खाने में बेचने गए थे। फिलहाल आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी है। पुलिस आशंका जता रही है कि आरोपी युवकों का संबंध किसी बड़े पशु चोर गिरोह से हो सकता है। अमित मल डाणी बाईपास ने कंप्लेंट दी थी और शक जाहिर किया था गुरदीप नाम का लड़का जो उसके घर पे काम करता था, तो उसने कहा था मेरी तीन भैंस जिसमें एक भैंस कटड़ी और जोटी थी चोरी हो गई है। फिर शक के आधार पर हमने उसको शामिल पेश किया और गहन पूछताछ के बाद उसने खुलासा किया और हमने चार लड़कों को कल भैंस से ही अरेस्ट कर लिया और पिकअप डाला बंद कर लिया। आज अदालत में पेश करेंगे, रिमांड पर हासिल करके अन्य साथी जो इसमें मिले हुए हैं उनके बारे में पता लगाकर शीघ्र पता चलेगा। और इन्होंने दो वारदातें कबूल की हैं, एक मायर गांव से जोटा और एक कुलेरी के आसपास से जोटा चोरी किया है। क्या करते थे जी ये जोटा या भैंस को यहाँ से चोरी करके गाजियाबाद के अंदर वहाँ कतल खाना में दे देते थे और इनका व्यवसाय इससे मजदूरी ना करने पड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं और आपस में बांटते हैं। हो सकता है जो इनके अन्य साथी हैं उससे लगता है ये अंतर्राज्यीय हरियाणा या उत्तर प्रदेश या आसपास के क्षेत्र में पशु तस्करी का जोरों को धंधा करने काफ़ी वारदातें सौ लोगों की संभावना है। कितने बंदे ये लगभग 10-12 के करीब का गेंद है, अभी आइडेंटिफाई करने पकाया है। सत्य खबर के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।